पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। और इस लेटर के साथ तुम आदि की लाइफ से बाहर होती हो काव्या बंसल। आदि अब मेरा हुआ, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकता। इनमें से कोई एक है मैम। कन्या वर के आगे चलेंगे। नहीं है चाबी इसमें, क्या करें? मेरी आंटी कैसे हाल में होगी? फेरा संपन्न हुआ, अब सातवां और आखिरी फेरा। इसके बाद में आप पति पत्नी हो जाएंगे और जीवन भर एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। थैंक यू हमसे दूर ना जाने के लिए। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। एक सेकंड, ये आप यहाँ आई कैसे? किसने किया ये? और कौन करेगा? राधिका, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी मम्मी को? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है होमी? सच तो तुमसे बोला नहीं जाता। मम्मी प्लीज, हमका बस ये बता दीजिए कि आपको ये चोट किसने दी है। प्लीज बोलिए मम्मी। तुम हनीमून के अलावा और 10 जगहों की टिकट कटाओ। उठाओ मुझे, आइए। बधाई हो पांडे जी, आखिरी फेरा। आपको भी बधाई हो गिरिराज जी। आपके और आपकी चुनाव पूंजी के बीच की दूरी एक फेरे जितनी रह गई है बस। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी तरह से आदि के जितने भी केस हैं सब बंद होने चाहिए। आप निश्चिंत रहिए।
ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी। आदि, क्या हो रहा है काव्या? ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है आदि। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसने किया क्या है। इसने मालनी आंटी को कमरे में, ए लड़की, मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना। काव्या तुम कितनी बड़ी झूठी हो, आदि को पाने के लिए इतनी डेस्परेट हो, कुछ भी बके जा रही हो। छोड़ो इसे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, प्लीज इस शादी को रोक दो। राधिका तुमने हमारी मम्मी पे हाथ उठाया, उन्हें कमरे में बंद कर दिया, अब तुम ही बताओ क्या करें हम तुम्हारे साथ। हेलो मम्मी, छोड़ेंगे नहीं हम अपने भाई की शादी में बिघन डाल, छोड़ेंगे नहीं। वो भी इस लड़की के कहने पर? पापा हम काव्या के नहीं, हम मम्मी की बात कर। भैया क्या हुआ मम्मी के साथ? राधिका ने मालनी आंटी के सर पे मारा और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। माँ, ये क्या, ये काव्य सच कह रही? राधिका मालनी के साथ ऐसा क्यों करेगी? जिससे इसकी और आदि की शादी हो जाए और रोकने वाला कोई भी ना। गलती काव्य की है, ये बीच में क्यों आई? माँ सच बताओ, क्या हुआ आपके साथ? राधिका ने मुझे काव्य की चिट्ठी पढ़ते हुए देख लिया था। कैसी चिट्ठी? वही चिट्ठी जो काव्या ने मुझे लिखी थी कि वो आज भी तुम्हें चाहती है। पर किसी मजबूरी के कारण उसने तुम्हें छोड़ा। कैसी मजबूरी काव्या? कौन सी मजबूरी थी कि तुमने हमें दूर कर दिया, हमारे प्यार को टुकरा दिया? बोलो काव्या, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुमने हमारा दिल तोड़ दिया? एक बात बताना, हम आपको भूल गए कि आदि अभी बेल पे छूटा है, परमानेंट बाहर नहीं निकला। अगर आप अपने वादे से मुकरी तो आदि वापस जेल में। काव्या बताओ हमें, बताओ काव्या, वरना हम आज ऐसा कुछ कर जाएंगे जो, बताओ हमें। हम बताते हैं, पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।